Congratulations to all the fans of India who were supporting them through and through in this World Cup. They needed that support going into this match. Well, first of all, would like to congratulate India. You know, the mindset behind, the vision behind, and they did it for all the fans, all the fans of this beautiful game of cricket. अबे यार इंडिया पाकिस्तान को मार के फाइनल उठा के ले गया, इससे बड़ा लेसन क्या चाहिए आपको? Shoaib, your reactions on the match? You predicted India would lift the trophy. They have done that, but were you at all surprised by how the match went down in terms of the players and how easily South Africa could have walked away with the trophy? T20 World Cup 2024 का आखिरकार इख्तिताम हो गया और भारत इस वर्ल्ड कप 2024 को जीतने में कामयाब हो गया। एक बार इंडिया के लिए तालियां होनी चाहिए। अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट, इंशाल्लाह फुल सपोर्ट। इंडिया इंशाल्लाह इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ हैं? क्यों भाई, इसकी वजह क्या है? वजह है तो अफगानिस्तान के साथ ही है। अच्छा, अफगानिस्तान का साथी है तो पाकिस्तान का तो दुश्मन है ना इंडिया? तो हमारा भाई है, दोस्त है। अच्छा, आपका इंडिया दोस्त है और अफगानिस्तान भी दोस्त है? दोस्त है। आप इंडिया की बात कर रहे हो, आप इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आप बैठे हो? देखो, सपोर्ट दे रहा हूँ मैं, सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस तरीके की भी ये गद्दार इंसान है, इसने गद्दारी की हमारे मुल्क के साथ। बोल रहे इंडिया अच्छा है, इंडिया अच्छा है। यहाँ से अंदाजा लगाइए कि डेविड मिलर सामने खड़ा हुआ है और इंडियन बॉलर्स हार्दिक पांड्या पार्ट टाइम बॉलर है, हर्षदीप सिंह का और शाहीन शाह अफरीदी का कोई मुकाबला है? हम तो हर्षदीप को समझते ही कुछ नहीं है पाकिस्तानी, पर वो उनको मैच जितवा के चला गया जो उसने 19वां ओवर किया है। आज तो यहाँ पर डेविड मिलर खड़ा था ना इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने, तो उन्होंने डेविड मिलर को आउट भी किया, डेविड मिलर को उन्होंने मैच भी नहीं जीतने दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ट्रॉफी को मेक श्योर किया उस किंग ने, उस अबू ने, मैं तो अबू कहता हूँ, किंग विंग तो मैं कहता ही नहीं उसको, विराट कोहली ने मेक श्योर किया। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी जब वो खड़ा होता है तो फिर सन्नाटे हो जाते हैं। आज रोहित शर्मा ने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ली थी, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो उन्होंने पूरी करी। उनको एक टाइटल के लिए तरस थी भी कौन बोलूंगा, इंडिया की टीम तरस रही थी, इंडिया के फैन तरस रहे थे टाइटल के लिए। वो जो 140 करोड़ थे वो बोले भाड़ में जाए ये रन, भट्टी में डालो ये रन, कोई कितने भी मारे, हमें ट्रॉफी लाके दो। एक ट्रॉफी को मेक श्योर किया उस किंग ने, उस अबू ने, मैं तो अबू कहता हूं, किंग विंग तो मैं कहता ही नहीं उसको, विराट कोहली ने मेक श्योर किया। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी जब वो खड़ा होता है तो फिर सन्नाटे हो जाते हैं। लग तो यही रहा था कि कसाई जो है छोटे मोटे क्लासन व्लासन और ये थोड़े से मार्क्रम शाक्रम कुछ कार्रवाई डालेंगे, डाली कार्रवाई उन्होंने, मैच को इंटरेस्टिंग बनाया, मगर इंडिया ने अपने नर्व पे काबू रखा। रोहित शर्मा ने बेहतरीन कप्तानी करी, जो चेंज ओवर उन्होंने कप्तानी में आज बोलिंग में किया ना अली, कमाल है, मतलब उसको उस पे जिम्मेदारी दी आज वर्ल्ड कप उठाने की और रोहित शर्मा इसमें कामयाब। अभी चांस है, अभी भी चांस है, क्या कहेंगे? नहीं, आप शुरू से ये कह रहे थे कि भाई इंडिया हार गया है, मतलब आप तो ये श्योरिटी दे रहे थे। नहीं, श्योरिटी इसलिए दे रहे हैं ना, लेकिन वो उनकी कोशिश जितनी थी वो अच्छी थी। हाँ। लेकिन एंड पे ये जिस तरह जोकर शुरू से रहे कि आज भी ये जोकर ही निकले हैं। ठीक है, चौक कर गए हैं, बड़े मैच में परेशान हो गए हैं। अब इंडिया दो मैच, आपके ख्याल से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से इंडिया मैच ले गया, मतलब हारा हुआ मैच जो आउट हुआ उसकी वजह से? ये अंकल कह रहे हैं कि भाई हार जीत होती रहती है, इंडिया को मुबारकबाद देंगे, आप क्या कहते हैं? मुबारकबाद तो बनती है तो कह लो, मगर दिलो नहीं, या दुश्मन है साडा? नहीं, दुश्मन क्रिकेट में क्या दुश्मनी है, खेल में तो दुश्मनी नहीं। दुश्मनी सारे पासे आई है, क्रिकेट वाले पासे आयो, जंग वाले पासे आयो, या मसलन कुश्ती वाले पासे आयो, है तो दुश्मन है इंडिया साडा। अच्छा, दुश्मन है। उसके बाद महाराज ने हरदीप सिंह की अगले ओवर में, जो सेकंड लास्ट ओवर में 2-3 बोले वो बीट कर दी, तो यार अगर ये सिंगल डबल ही आप लेते रहते तो आखिरी ओवर में कम से कम आपको 11 रन, 12 रन, 10 रन इतने चाहिए होते, ये बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। आपने रबाडा को बुलाया, रबाडा ने जो है वो एक चौका मार दिया। जहां तक 15 से कम जो रन है ना, ये फिर भी आपके दिमाग में होते बन जाएंगे, 15 या उससे ज्यादा। उस 15 रन में तकरीबन आपको फिर 3 बाउंड्रियां आपको लेनी पड़ती है। No, 100%. They actually done an amazing job by reaching the final, first of all. And Yunus Khan, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता what it feels like to be in that position, जिसमें हम अभी visuals पे देख रहे थे रोहित शर्मा, just tears in his eyes and looking around and couldn't quite believe
what was happening. Process nahi ho pa raha tha us time pe, but his family was there, all the media were there, and everybody was just surrounding him. He was the most important man in that stadium at that time. Kaisa feel kar rahe honge Rohit Sharma? नहीं, because it means so much to them as नहीं, इस वक्त तो स्काई हाई होंगे वो बिल्कुल. और जिस तरह उन्होंने खुद ये मेंशन किया कि अभी ये सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, पिछले कुछ 3-4 साल से इस तरह आ रहे हैं. और ये देखिए, रोहित शर्मा की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बैक किया, विराट को बैक किया, सूर्य कुमार को बैक किया, जहां जहां भी उनको जरूरत पड़ी उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया. और उन्होंने जब भी वो स्टेटमेंट उनके मुतालिक बात होती है तो आप वो ये बार बार कह रहे हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं, कमाल करते हो. इस तरह की स्टेटमेंट जब आप अपने प्लेयर के लिए देते हो, उसको उनको बैक करते हो, तो फिर एग्जैक्टली इसी तरह होता है. और बारह जब भी उनसे विराट कोहली की बात हुई तो उन्होंने कहा, आप विराट कोहली के मुताबिक बात उनके मुताबिक बात कर रहे हैं, अभी देखें क्या होता है. और सडनली उन्होंने किया. तो देखिये, ये सिर्फ ये एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये बेसिकली ये 4-5 जो टूर्नामेंट्स ये खेलते हुए आ रहे हैं, ये वहां की बात है. और वो डिजर्व करते थे, वो डिजर्व इसलिए करते थे कि उन्होंने एक टीम ऐसी बनाई जिसमें वो सिर्फ विराट की तरफ नहीं देख रहे थे, रोहित शर्मा की तरफ नहीं देख रहे थे, जसप्रीत बुमराह की तरफ नहीं देख रहे थे. अगर आप इनकी टीम में देखें तो वो एक कैच सूर्य कुमार यादव का, फिर उसके बाद वो एक विकेट जो कि 17th ओवर की फर्स्ट बॉल पे क्लासन का आउट होना. तो ये जब मेच्योर टीम होती है आपके पास और उसमें बहुत सारे मैच विनर्स होते हैं तो वो अपना पार्ट अदा करते हैं. तो मेरे ख्याल से ऑल क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा और उनकी मैनेजमेंट को, राहुल द्रविड़ को बहुत ज्यादा इसमें. आई मीन अ मैसिव विन, एंड आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फॉर हाउ वाज जस्ट सीइंग अदर ऑब्वियसली एलेशन बट रिलीफ ऑन द फेसेस ऑफ द इंडियन टीम. देयर वाज सो मेनी टीयर्स, इट वाज लाइक अ वेट हैड जस्ट बीन लिफ्टेड ऑफ देयर शोल्डर्स एंड द इमोशन जस्ट पोर्ड out of every single player, Marty. I don't think there was a dry eye on the field. This meant so, so much to them. And credit to them for pulling themselves out of a really sticky situation. तो हमारे बॉलर्स ने हमेशा हमारा नुकसान ही किया है, लेकिन हमने अपनी आंखों में पट्टी बांध के हमेशा इनको सपोर्ट किया, इनके पीछे खड़े रहे और ये कहते रहे कि यार ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है और हमारे पास बड़ी जरखेज मट्टी है, वहां से बॉलर आ रहे हैं. लेकिन हम अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं और ब्रेन यूज ना करने के कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ. अच्छा चलो, आज तो यहाँ पर डेविड मिलर खड़ा था ना इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने, तो उन्होंने डेविड मिलर को आउट भी किया, डेविड मिलर को उन्होंने मैच भी नहीं जीतने दिया. लेकिन हमारे सामने तो साउथ अफ्रीका की चेन्नई के अंदर जो बैटिंग में जो बल्लेबाज खड़े हुए थे वो तो उनके टेल एंडर्स थे, उनके बॉलर्स खेल रहे थे, वो हमसे मैच निकाल के ले गए. एक विराट कोहली मेलबर्न के मैच के अंदर हमारे सामने एक बड़ा बल्लेबाज खड़ा था, जरा उस मैच को रिकॉल कीजिए जो कोलंबो में हम पाकिस्तानी भूल गए उस मैच को, जो कोलंबो में हम श्रीलंका से मैच आ रहे थे, उसमें भी यही सिमिलर सिचुएशन थी कि हमें आखिरी ओवर्स के अंदर थोड़े स्कोर का हमने दिफा करना था, वो शाहीन ने एक आधी विकेट ले ली क्योंकि पहले ओवर्स के अंदर उसने विकेट नहीं ली, आखिरी ओवर में उसने विकेट ले ली, लेकिन उसने मैच नहीं जितवाया था पाकिस्तान को. तो आपके सामने टेल एंडर टेल खड़ी हो आप तब नहीं मैच जितवा सकते हैं, आपके सामने बड़े बल्लेबाज खड़े हो तब तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मैचेस को जीतेंगे. आपके सामने रन अ बॉल चल रहा हो, बैटिंग की अगर सूरत हाल देखें तो बैटिंग भी नहीं होती है हमसे. सो हमारा जो हाल है वो बिल्कुल बुरा हाल है. हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए जो चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी का बोला है वो सर्जरी एक एक करके प्लेयर्स को करनी पड़ेगी. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप बिल आखिर अपने अख्तितम को पहुंच चुका है और टीम इंडिया इस मैच को, इस ग्रैंड फिनाले को 7 रन से जीतने में कामयाब हुई. एक इवेंट, दो इवेंट, तीन इवेंट, चार इवेंट, पांच, छह, सात, अबे यार इंडिया पाकिस्तान को मार के फाइनल उठा के ले गया, इससे बड़ा लेसन क्या चाहिए आपको यार? बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.